और कुछ लोग ये कहते भी है। अभी ये नीतीश कुमार ने कहा है, जो बिहार के सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये बात कही है कि बोले ओवैसी बोले बीजेपी के एजेंट है। अरे शर्म करो, आपको ये बात शोभा नहीं देती ऐसी बातें बोलने से। जिन्होंने साल बीजेपी के साथ मलाई खाई हो, और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहते हैं कि बोले आप बीजेपी के एजेंट हो। आप मुझे पूरा सोशल मीडिया छान कर कोई तस्वीर ऐसी बता दो जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हमारे देश के प्रधानमंत्री साथ में हो। बता दो मुझे कोई फोटो हो तो, या वीडियो हो। मैं नीतीश कुमार के हजारों फोटो बता सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री के साथ में। अभी असद साहब उमरा के लिए गए थे, यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुए, जो वायलेशन हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। बिहार के अंदर मस्जिदों को जलाया गया, मदरसों को जलाया गया, मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया गया। जब इनकी जुबानें खामोश थी, जब मक्का से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद आए, तुरंत दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबकी बराबर बजाई। उनसे सवाल किया, उनको सवाल करना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या करे, उसका जवाब कैसे। हर सोमवार को रोज़ा रखते हैं, रमज़ान के तो पूरे रखते हैं, मगर आड़े दिन ऐसे ही सब पूरे साल हर सोमवार को उनका रोज़ा होता है। हम कैसे कह दें कि बीजेपी की बीटी में। अगर वो शख्स हमें कहता है कि चलो मदीना शरीफ शब्द गुम्मद वाले के पास खड़े होंगे, सामने उनकी जाली को पकड़ के मैं कहूँगा मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूँ, हमको तो यकीन करना पड़ेगा। फिर उससे बोले बढ़कर मुझे बताने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। जो अपने सर पे टोपी के ऊपर नालेन शरीफ लेके चलता हो, और पार्लियामेंट के अंदर आज कोई हमारे तरफ हमारे ऊपर कुछ भी बात आती है तो सबसे पहले आवाज़ उठती है, बताओ मुझे कौन आवाज़ उठाता है।